दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बस्टक प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों हर बार की तरह आज की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और अलग इसलिए भी है कि उसकी लोकेशन भी बहुत शानदार है, और ख़ास मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको लग्जरी से प्यार है और लग्जरी के साथ ग्रीनरी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और दोस्तों आज की जो हमारी लोकेशन है ये हमारी न्यू चंडीगढ़ की है, हमारी 10 एकड़ के अंदर हमारी सोसाइटी है अंबिका के नाम से। और आज की जो सोसाइटी है उसमें आपको जो इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं अपने ब्रदर से जिसका नाम है मनजोत सिंह, जो आपको सोसाइटी के बारे में अच्छे से बहुत कुछ बताएंगे। हाय सर। ओए जी, वेरी फाइन सर। आज जो हम प्रोजेक्ट में आप जैसे कि देख रहे हैं ये है अंबिका फ्लोरेंस पार्क, न्यू चंडीगढ़ में लोकेटेड है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है 10.5 एकड़ में बनी हुई है, जहाँ की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही बीच में है, मध्य मार्ग एंड दक्षिण मार्ग की कनेक्टिविटी से। ये जो आप रोड देख रहे हो 200 फीट वाइड रोड है, ये रोड कनेक्ट करेगी डायरेक्टली एयरपोर्ट को जी, वाया खरड़। नाउ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारे 10.5 एकड़ में हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, जो इस बिल्डिंग पे अभी आप देख रहे हैं हम उसका भी शो फ्लैट हम देखने जाएंगे। तो एक बार लेट्स मूव टुवर्ड्स द शो फ्लैट। आओ जी। नाउ ये रहेगा हमारा शो फ्लैट, ये जहाँ अभी हम प्रेजेंटली खड़े हैं ये रहेगा रिसेप्शन एरिया। ये सिर्फ आपको अवेलेबल रहेगा आपकी टावर की एंट्रेंस पे जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहेगी। ये डबल हाइटेड लॉबीज रहेंगी जहाँ आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, प्लस अ गार्ड वुड बी सिटिंग इन एवरी रिसेप्शन। ये रिसेप्शन एरिया जस्ट एज अ वेटिंग एरिया रहेगा, सपोज करिए आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको नीचे बिठा सकते हैं टिल द टाइम यू रिसीव। हमारा फ्लैट इधर से शुरू हो रहा है। This flat is typical 3+ utility, 1690 square feet. Now, इस फ्लैट में हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे दैट इज प्रीमियम विट्रिफाइड टाइल्स। फॉल्स सीलिंग विद कोव लाइट्स ओनली टिल ड्राइंग रूम। Plus attached balconies. Now, अगर मैं आपके साथ balconies की बात करूं तो इसमें हम एंटिस की टाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड balconies में आपको हर जगह UPVC के स्लाइडिंग डोर्स मिलेंगे विद टफन ग्लास। ये साउंड प्रूफ ग्लास रहते हैं, 9mm ग्लासेस रहेंगे ये। Now, if I talk about balconies, हर जगह balconies are attached. That means with every bedroom and kitchen, आपको balconies दिखेंगी। इसके बाद we'll move on to our kitchen. ये हमारा किचन है, 7.5x12 का हमारे पास किचन रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं किचन में हम पूरा हेडटेक का किचन प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ किचन में आपको एक डबल हाइटेड ग्रेनाइट और डबल सिंक एंड उसके साथ अटैच्ड बालकनी प्रोवाइडेड रहेंगी। नाउ जो भी आप ये फिटिंग्स देख रहे हैं ये सब सेम होंगी इन द एक्चुअल फ्लैट एज वेल। जितने आप ग्लास टॉप्स देख रहे हैं वो ग्लास टॉप्स ही रहेंगे। किचन में हमारे पास दो चीजें एडिशनल रहेंगी, बेसिकली चिमनी और हॉब नहीं प्रोवाइडेड, तो ये आपको अगर एडिशनली आपने लगवाना हो आप लगा सकते हैं। Now, moving towards next, ये आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा। इसमें हम रोका की फिटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी आप फिटिंग्स देखेंगे वॉशरूम की वो सारी रोका की रहेंगी। इसमें भी आपको 8 साल की वारंटी के साथ रहेंगी ये सारी फिटिंग्स। आप जैसे देख सकते हैं ऊपर तक टाइलिंग वर्क मिलेगा आपको वॉशरूम में, एंड ऊपर भी एक फॉल्स सीलिंग प्रोवाइडेड रहेगी। नाउ ये हमारा छोटा सा एक पैसेज एरिया रहेगा, जो आप ये साइड में कबर्ड्स देख रहे हैं ये नहीं होंगे, ये एक मोर लाइक एन ओपन स्पेस एरिया होंगे। 4.5 फीट की आपको और स्पेस मिल जाएगी पूरी पीछे तक।
नाउ ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम। 11x13 का वी हैव द मास्टर बेडरूम, जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग। प्लस अ कबर्ड। सो ये आपको मास्टर बेडरूम में प्रोवाइडेड रहेगी। स्लाइडिंग कबर्ड्स रहेंगी आपके पास। नाउ वॉशरूम के साथ, मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा, जो 5.5x7.5 का होएगा। और उसके साथ भी आपकी बालकनीज अटैच्ड रहेंगी। Now moving towards the next room, ये हमारा किड्स रूम रहेगा। ये 10.5x12 का रूम है। जिसमें आपका अटैच्ड वॉशरूम रहेगा, सेम जैसे आपने मास्टर बेडरूम में देखा था, 5.5x7.5 का। एंड इसके साथ भी यू वुड बी हैविंग एन बालकनी। नाउ आपके किड्स रूम के साथ ही आपका गेस्ट रूम अटैच रहेगा। ये 10x12 का रूम साइज है, जिसमें आपका वॉशरूम वुड बी द कॉमन वॉशरूम जो आपने बाहर देखा, और इसके साथ आपकी सबसे बड़ी बालकनी अटैच रहेगी, 6 feet वाइड बालकनी टुवार्ड्स योर किचन। तो एक कॉमन बालकनी आपको आ जाएगी किचन के साइज में। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जी, इधर आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, इधर एक डेडिकेटेड टैप एंड सॉकेट प्रोवाइडेड रहेगा आपको। ये जो हमने अभी एरिया देखा, ये था 3+ यूटिलिटी, 1690 स्क्वायर फीट। एक फ्रंट में आपको मैं अभी दिखाऊंगा 10x7 का एक स्टोर रूम प्रोवाइडेड रहेगा, इफ यू ऑप्ट फॉर 3+ यूटिलिटी। बट इन केस ऑफ 2 BHK एज वेल, जो आपने अभी मैंने आपको सारे एरियाज दिखाए वो सेम रहेंगे, सिर्फ एक कमरे का फर्क पड़ेगा। तो कमरे में जो आपका ये किड्स रूम है, ये नहीं होएगा इन केस ऑफ 2 BHK। बाकी जो आपने लिविंग डाइनिंग एरिया देखा, किचन देखा, वॉशरूम साइज देखे, वो सब सेम है। तो चाहे आप 2 BHK ले लें या 3+ यूटिलिटी ले लें, ओवरऑल एरिया सबका सेम रहेगा। बाकी इसके बाद हमारे पास काफी ऑप्शंस रहेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी अभी रेडी टू मूव में आती है। इसके बाद जो हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारा फ्लैट मेरा लेंथ में है। इसके बाद जो मेरे पास डिजाइन आएंगे वो सारे स्क्वेयरिश डिजाइन में आएंगे। इसमें हमारे पास, मैं आपको एक बार अपने प्रोजेक्ट के लेआउट्स भी डिस्कस कर लेता हूं और एक बार आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो अभी आपने देखा, दिस इज द एक्चुअल फ्लैट वी आर असेंबलिंग। बाकी अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लेआउट्स एक बार देख लेते हैं।
नाउ जैसे कि हमने अभी शो फ्लैट देखा, अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारा मास्टर प्लान ऑफ अवर प्रोजेक्ट। तो ये है हमारा मास्टर प्लान। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा पूरा प्रोजेक्ट 10.5 एकड़ में बना हुआ है। ये जो आप रोड देख रहे हो, कनेक्टिविटी की अगर बात करूं, ये जो आप रोड देख रहे हो 200 फीट वाइड रोड है। ये रोड आपकी कनेक्ट करेगी एयरपोर्ट रोड को जी, वाया खरड़ सनी इनक्लेव से। नाउ इसके साथ में ये जो आप रोड देख रहे हैं, दिस इज अ सेक्टर डिवाइडिंग रोड, ये 100 फीट वाइड ही रहेगी। न्यू चंडीगढ़ में पहले से ही हमारे पास सेक्टर डिफाइन है, दिस इज सेक्टर 14 ऑफ न्यू चंडीगढ़। प्रेजेंटली हम इधर खड़े हैं, दिस एरिया कम्स अंडर कमर्शियल। तो जो हमारा ऑफिस स्पेस है ये सारा डिमोलिश होकर इधर आपके लिए ही एसयूएस एंड बूथ आएंगे फॉर डेली रिक्वायरमेंट्स। हमारा शो फ्लैट इधर बना हुआ है, इधर एक हाइपरमार्केट जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, बिग बाजार लाइन फ्रेश वैसा वाला कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज अ सेकंड एंट्रेंस, 80 फीट वाइड एंट्रेंस रहेगी। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल सी अ रैंप टू द बेसमेंट। नाउ इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के नीचे बेसमेंट रहेगा। That means towers के नीचे तो basement है ही, जो आप ये green patches देख रहे हैं उनके नीचे भी basement है। So we have ample number of car parking for the residents. Around 1800 cars can be stacked into your basement gym. Now if I talk about जो guest parking रहेगी, वो हमारी सारी boundary में reserve करी हुई है। जितनी भी आप boundary देखेंगे वो guest parking के लिए reserved रहेगी। Around 150 cars आपकी boundary में खड़ सकती हैं। Now this is our iconic tower, Petunia. इसमें G+1 इज द क्लब हाउस, जो आप ओवल शेप में देख रहे हैं। 15,000 स्क्वायर फीट में हमारे पास क्लब हाउस रहेगा, जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग डे केयर एंड क्रच, फर्स्ट एड रूम, किड्स कॉर्नर, रेस्टोरेंट। एक आपको बैंकेट हॉल इधर प्रोवाइडेड रहेगा, जहां आप गैदरिंग कर सकते हो अराउंड 100 to 150 की। इसके साथ में एक ओपन पार्टी हॉल ऑन बेसिकली किटी पार्टीज एंड बर्थडे पार्टीज के लिए। ये रहेगा आपका किटी पार्टी लॉन, जैसे आप बर्थडे पार्टीज या स्मॉल गैदरिंग्स के लिए हमने एक बाहर भी लॉन दिया हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लब हाउस, हमारे क्लब हाउस में एक 3000 स्क्वायर फीट में जिम रहेगा विद स्पा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ग्रीन अमेनिटीज, तो हमने हर एज ग्रुप को कैटर करा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स वी हैव 4 थीम बेस्ड पार्क। वन इज हियर गुलिवर्स वर्ल्ड, इधर बच्चों के लिए जाइंट्स एंड स्विंग्स आ जाएंगे। एंड इसके साथ में ही रहेगा टॉडलर्स कॉर्नर, जहां सैंड ड्यून्स के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। Then we have a flying fox which is located here. इधर जैसे कि हमारे पास दो suspended bridge रहेंगे, इसमें जैसे आप rappelling करते हैं वो वाला concept रहेगा। Now if I talk about adults, हमारे पास दो badminton court होंगे, one is here and another one is right behind this tower. दूसरा बैडमिंटन कोर्ट आपका यही रहेगा, उसके साथ आपको एक लॉन्ग टेनिस कोर्ट प्रोवाइडेड रहेगा एंड वन क्रिकेट पिच विद बॉलिंग मैकेनिज्म। एंड उसके बाद लास्टली हमारे पास एक हाफ बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा विच इज लोकेटेड हियर। जैसा कि आपने देखा हमारी सारी चीजें स्कैटर्ड हैं, उसका हमारे पास एडवांटेज क्या आता है, जो हर टावर के नीचे आपको कोई ना कोई अमेनिटी जरूर प्रोवाइडेड रहेगी। नाउ क्लब हाउस के सामने हमारे पास दो पूल्स आते हैं, वन सेमी ओलंपिक साइज फॉर अडल्ट्स एंड सेकेंड वन इज फॉर किड्स विद 2 स्लाइड्स। स्विमिंग पूल के साथ ही आपका एक छोटा सा एक्वा थीम रहेगा उस साइड में, उधर रेन वाटर डांसिंग वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, म्यूजिकल डांस वाला। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सीनियर सिटीजन्स, तो उनके लिए हमने एक जेन पार्क डेडिकेट करा है बिल्कुल फ्रंट में। इधर हम हटमेंट्स एंड गजीबोस क्रिएट करेंगे। ये रहेगी आपकी ओपन जिमिंग इक्विपमेंट्स, जैसे हम मोहाली एंड चंडीगढ़ में देखते हैं आजकल ओपन जिमिंग कल्चर्स बहुत पॉपुलर है, तो वो इधर केटर होएगा आपका। एंड एक ये सामने में रहेगा आपका योगा एंड मेडिटेशन कॉर्नर। नाउ फर्स्ट फेज में हमने ये तीन टावर्स लॉन्च करे थे 2017 में। ये जो आप बाहर वाले देख रहे हैं, दिस इज 3+ यूटिलिटी, 1690 स्क्वायर फीट। इसके साथ में आपको 2 BHK आ जाएंगे 1270 स्क्वायर फीट में। एंड पीछे वाले सारे बेसिक साइज ऑफ 3 BHK रहेगा 1520 स्क्वायर फीट में। नाउ इनकी पोजेशन टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर दिस ईयर जी।
आपको हर टावर में 3 लिफ्ट्स प्रोवाइडेड रहेंगी, 2 पैसेंजर लिफ्ट एंड 1 सर्विस लिफ्ट। जो आप ये नीचे देख रहे हैं ये आपकी टावर की एंट्रेंस रहेगी। ये डबल हाइटेड लॉबी है जो मैंने आपको रिसेप्शन एरिया जब हम शो फ्लैट में देख रहे थे वो बता रहा था। तो ये आपका रिसेप्शन एरिया रहेगा पूरा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टावर्स, ये हमारे ऑर्किड टावर्स रहेंगे। ये जो आप पीछे वाले देख रहे हैं दीज आर 3+ servant 2080 स्क्वायर फीट में, एंड सारे फ्रंट वाले रहेंगे 4+ servant 2480 स्क्वायर फीट में। इनका पोजेशन आएगा बाय जून नेक्स्ट ईयर विच इज 2021। इसके साथ में ही हमारे पास एस्टर टावर्स हैं, एक्सट्रीम कॉर्नर 3+ utility 1800 स्क्वायर फीट में रहेंगे, एंड इसके बीच वाले रहेंगे 3+ servant 2020 स्क्वायर फीट में। इनका पोजेशन आएगा बाय मार्च 2022। नाउ सबसे पहले मैंने आपको अपनी आइकॉनिक टावर के बारे में बात करी थी, तो ये रहेगा हमारा आइकॉनिक टावर पेटूनिया। ये सेकंड फ्लोर से आपके अपार्टमेंट्स शुरू हो जाते हैं। एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट्स होंगे 3450 स्क्वायर फीट के। ये सारे 4+ servant रहेंगे एंड ये फ्लैट 2 साइड ओपन फ्लैट है। ये फुली फर्निश्ड होंगे, जैसा कि आपने बाकी सारा देखा था वो सेमी फर्निश्ड थे, ये फुली फर्निश्ड रहेंगे। और इनकी स्पेसिफिकेशन भी काफी अलग है। बाकी कोई भी डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10.5 एकड़ के अंदर बना हुआ फ्लोरेंस पार्क, जो कि बिल्कुल न्यू चंडीगढ़ के अंदर बहुत ही अच्छी से लोकेशन के ऊपर बना हुआ है। और मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद है आपको कि मेरे जो ब्रदर हैं मनजोत सिंह, उन्होंने बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर ठोकिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है या दोस्त है जिसको ये वीडियो अच्छी लगनी चाहिए या वो घर देख रहा है तो उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों किसी भी इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। और दोस्तों इस वादे के साथ हम आपको फिर मिलेंगे एक नए घर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। सत श्री अकाल। थैंक यू।